इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप विंक म्यूजिक ऐप से किसी भी सॉन्ग को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने डिवाइस या मेमोरी कार्ड में। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक तरंग चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूं। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप विंक म्यूजिक से किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने मोबाइल में विंक म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही विंक म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे बहुत सारा सॉन्ग देखने को मिल जाएगा, आप आसानी से यहां से किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर्च करके किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड करें, किसी भी म्यूजिक को डाउनलोड करें, तो आप इस सर्च पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी सॉन्ग सर्च कर लेना है जिस सॉन्ग को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। सर्च करने के बाद आप चाहे तो आप इस डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं उस सॉन्ग को पहले सुने उसके बाद डाउनलोड करें, तो आपको उस सॉन्ग पर क्लिक करके उस सॉन्ग को प्ले कर लेना है। प्ले करने के बाद आपको उस सॉन्ग पर क्लिक करना है ताकि वो फुल स्क्रीन हो जाए। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको नीचे प्लेलिस्ट के बगल में डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहां पर डाउनलोड का आइकन भी दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो सॉन्ग डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, मेरा सॉन्ग डाउनलोड हो चुका है। आप जो सॉन्ग डाउनलोड किया है जब भी उसको सुनना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस माय म्यूजिक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके जितने भी डाउनलोड सॉन्ग रहेंगे आपको इस डाउनलोड्स में दिख जाएगा। आप यहां से आसानी से किसी भी सॉन्ग पर क्लिक करके आसानी से किसी भी सॉन्ग को सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जितने भी सॉन्ग डाउनलोड किए हैं उस सॉन्ग को नॉन स्टॉप सुने, तो आप इस प्ले ऑल पर क्लिक करके सुन सकते हैं।